नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। गंगा दोपहर की शुरुआत करें उससे पहले नजर टॉप 10 खबरों पर। सीएम योगी ने पीएम संग मीटिंग के चलते कैंसिल की टीम 11 के साथ बैठक। अब शाम 5:30 बजे होगी मीटिंग। लॉकडाउन बढ़ाने पर कर सकते हैं विचार। सीएम योगी ने अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर वासियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात। जिले में एक भी कोरोना केस नहीं मिलने पर जताया आभार। कहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे लोग। पीलीभीत में संवेदनहीन घटना। कोरोना के डर से जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने बुखार से पीड़ित महिला का नहीं किया इलाज। जमीन पर घंटों तड़पकर हुई पीड़ित की मौत। फिरोजाबाद में 4 और लोगों को कोरोना पॉजिटिव। जिले में 15 हुई मरीजों की संख्या। एक कोरोना पॉजिटिव युवक के संपर्क में आए थे लोग। लखनऊ के सभी हॉटस्पॉट की होगी अब ऑनलाइन निगरानी। एपिडेमिक रिस्पॉन्स सेंटर का हुआ निर्माण। कमिश्नर डीएम नगर आयुक्त ने कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण। मोबाइल ऐप भी लॉन्च। बस्ती के डीएम के सामने आई अच्छी पहल। कोरोना टेस्टिंग के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। 9450610034 पर फोन कर करा सकते हैं टेस्ट। गोपनीय रखी जाएगी आपकी सूचना। भदोही में सामने आया हैरान करने वाला कोरोना केस। दिल्ली से बिहार जाते वक्त शेल्टर होम में रुके युवक को कोरोना। युवक के साथ शेल्टर होम में थे 135 मजदूर। सभी की होगी जांच। हापुड़ में किया गया पुलिसकर्मियों का स्वागत। फूलों की बरसात कर बढ़ाया गया मनोबल। देहरादून में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। ऑनलाइन शराब डिलीवरी पर पुलिस का एक्शन। फर्जीवाड़े से बचाने के लिए शेयर की पोस्ट। शराब डिलीवरी के नाम पर हो रही थी ठगी। उत्तराखंड में जोशी मठ के ऊंचाई वाले इलाकों में फिर बदला मौसम का मिजाज। बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब फूलों की घाटी में हुई बर्फबारी। चारधाम यात्रा की तैयारियों पर असर। और आइए शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मेरठ से बड़ी खबर है जहां एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमला करने वाले 4 उपद्रवी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एबीपी गंगा पर बोले अपर मुख्य सचिव गृह, किसी भी आरोपी को नहीं छोड़ेंगे। आरोपियों पर रासुका लग रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मेरठ से ये तस्वीरें सामने आई थी जब पुलिस पर पथराव किया गया था। अब 4 उपद्रवियों को पकड़ लिया गया है। और सीधा रुख करेंगे मेरठ का। हमारे संवाददाता बलराम पांडे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, सरकार तो कार्रवाई कर रही है लेकिन फिलहाल ग्राउंड जीरो पर क्या हालात बने हुए हैं? सबसे पहले इसकी अपडेट आप दर्शकों को दीजिए। देखिए प्राची, स्थिति को काबू पाने के लिए यहां पर खुद जिला अधिकारी अनिल कुमार ढींगरा और SSP अजय कुमार साहनी मौजूद हैं और काफ़ी पुलिस फोर्स यहां पर मौजूद है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी भारी तादाद में पुलिस फोर्स यहां पर मौजूद है। प्रशासन ने यहाँ पर पैदल मार्च निकाला है और गश्त किया है। यहाँ पर गलियों में जा जा करके लोगों से अपील की है कि वो घरों में रहें और अगर बाहर निकलेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस दबिश दे रही है। आपको बता दूं कि 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जिनके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जा रही है। 4 आरोपियों में जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें से एक इमाम भी शामिल हैं। आप देख सकते हैं जिला अधिकारी खुद ब्रीफ कर रहे हैं अधिकारियों को कि किस तरीके से यहाँ पर पेट्रोलिंग की जानी है और किस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो लगाई जाएगी। सारे गाइडलाइंस जो दिशा निर्देश हैं वो अधिकारी यहाँ पर दे रहे हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि खुद SSP अजय कुमार साहनी जी मौजूद हैं। हम उनसे ही बात करेंगे और अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से पुलिस यहां पर पूरी तरीके से मुस्तैद है और पल पल की जानकारी जो अधिकारी हैं वो ले रहे हैं। सर, किस तरीके की तैयारी की गई है? जैसा कि आप लोग क्षेत्र में हैं, आप लोग जैसा कि क्षेत्र में हैं और देख रहे हैं, पूरी तरह से स्थिति सामान्य है। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल यहाँ पे है। जगह जगह पिकट लगाए गए हैं और जिन व्यक्तियों ने दुस्साहस किया था, मस्जिद के इमाम सहित उन 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सभी के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यहाँ के लोगों को भी बताया गया है कि नियम कानून का पालन करें, घरों में रहें। सर, पैदल मार्च निकाल करके शांति व्यवस्था की आपने अपील की है लोगों से, क्या कितने लोग इसमें शामिल थे, वजह क्या थी पथराव की?
ये पैदल मार्च करने का उद्देश्य केवल शांति व्यवस्था की अपील करना नहीं था, इसका मूल उद्देश्य ये था कि जो शरीफ लोग हैं उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं और जो लोग पथराव कर रहे हैं उन सबको उठा के जेल भेजा जाएगा, सबके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। जहाँ तक पथराव की बात है तो ऐसा कोई पथराव की घटना नहीं हुई थी। वहाँ जब एरिया को सील करने आए थे सिटी मजिस्ट्रेट और थाने की पुलिस, तो यहाँ पहले पॉजिटिव केसेज मिले थे, WHO के मानकों के तहत सील करने आए हुए थे। वहाँ कुछ लोगों ने भीड़ इकट्ठा किया, इसमें धक्का मुक्की हुई, संबंधित जितने आरोपी थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और सभी को बताया गया है कि ऐसा कोई विकृत क्षम्य नहीं होगा। ये थे SSP अजय कुमार साहनी जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि सभी को हिदायत दे दी गई है कि वो अपने घरों में रहें और जो प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है उसका पालन करें, नहीं तो सबके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो चारों आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनके खिलाफ NSA की कार्रवाई की जा रही है, और साथ ही लोगों से अपील भी की गई है कि जो शांति व्यवस्था बनाए रखने में साथ दे रहे हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन मौके पर है, बलराम तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं और उन लोगों की अब बिल्कुल खैर नहीं है जो पुलिस प्रशासन के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं या फिर उनका सहयोग नहीं करते हैं। बलराम, हम इस वक्त लखनऊ का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि लखनऊ से पूरी तरीके से मॉनिटरिंग ऐसी घटनाओं की जा रही है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ गए हैं। वीरेश, कोई भी कहीं पर भी घटना हो रही है उसका सीधा असर लखनऊ में होता है और तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए जाते हैं, कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए जाते हैं। मेरठ की घटना की अगर मैं बात कर लूं तो उसको लेकर क्या ताजा अपडेट आपको लखनऊ से मिल रहे हैं? देखिए, जब ये मेरठ की घटना हुई उस समय प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी और जब सोर्सेस से हमारे पास खबर है कि जब मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी मिली कि जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं वो घायल हो गए हैं, पुलिस वाले घायल हो गए हैं, तो उन्होंने वहां बैठे अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को निर्देशित किया कि ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दरमियान ही उन्होंने निर्देशित किया कि ऐसे लोगों पर रासुका लगाया जाना चाहिए और कड़े से कड़े कदम उठाना चाहिए। गंगा ने दर्शकों को उसी वक्त बता दिया था कि मेरठ की घटना पर मुख्यमंत्री की सीधी नजर है, शासन की सीधी नजर है और उन पर NSA लगाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब प्रधानमंत्री के साथ बैठे थे उसी दरमियान मेरठ की घटना का संज्ञान लेते हुए उन्होंने मेरठ से पूरी रिपोर्ट मंगवाई और अपर मुख्य सचिव गृह को निर्देशित किया कि ऐसे लोगों पर रासुका लगना चाहिए और साथ ही साथ एक गाइड लाइन सारे जिलाधिकारियों और SP SSP को आपकी तरफ से जाना चाहिए कि कोई भी इस तरह की घटना होगी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एबीपी गंगा ने दर्शकों को पहले ही बताया था कि अगर कोई स्वास्थ्य कर्मी है, कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस कर्मी है, कोई मीडिया कर्मी है जो इस वक्त कोरोना में योद्धा की तरह सड़कों पर मौजूद है, क्योंकि लोग सुरक्षित रहें, लोग घरों में रहें और ये लोग सड़कों पर हैं लोगों के लिए, हैं लोगों की भलाई के लिए हैं, ऐसे में अगर किसी ने भी उनके ऊपर हमला किया तो कड़े से कड़े प्रावधान के तहत उन्हें दंडित किया जाएगा, रासुका लगाया जाएगा, NSA लगाया जाएगा। और एबीपी गंगा की खबर पर मुहर लगी है। ADG जोन से बात जब हुई हमारी और साथ ही साथ अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी से जब बात हुई, उन्होंने कहा कि जो आरोपी हैं, चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकियों पर जो उनकी तलाश की जा रही है, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री की पल पल इस पूरी घटना पर नजर है, तो ये सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में मॉनिटरिंग की जा रही है वो एक बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। और साथ ही साथ लखनऊ से एक बड़ी खबर दर्शकों को दे दूं, अपने सहयोगी शैलेश अरोड़ा के माध्यम से वो एक बड़ी खबर लेके आए हैं हॉटस्पॉट इलाकों को लेकर। हॉटस्पॉट इलाकों में जो लोग हैं अगर वो लापरवाही करेंगे तो बक्से नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही है। शैलेश अरोड़ा, दर्शकों को आप बताएं कि किस रूप में ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। वीरेश जी, देखिए सबसे बड़ी समस्या जो थी वो थी मॉनिटरिंग की, क्योंकि कहीं से शिकायत आती है खाना नहीं पहुंचा, कहीं पर शिकायत आती है हॉटस्पॉट इलाकों में सैनिटाइजेशन नहीं हुआ, यहां तक कि क्वारंटाइन सेंटर से लोगों के भागने की भी शिकायतें कई जगह से आ रही थी। इसको ध्यान में रखकर जो लखनऊ स्मार्ट सिटी है उसने अपने यहाँ एक एपिडेमिक रिस्पॉन्स सेंटर स्थापित किया है जहाँ पर सैटेलाइट व्यू से इन सारे हॉटस्पॉट्स जो लखनऊ के हॉटस्पॉट बनाए गए हैं 12, उनके एक एक घर के बाहर की निगरानी की जा रही है कि वहाँ सैनिटाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, खाना पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, उन घरों के आसपास जो एरिया सील है वहाँ पर किस तरह से काम चल रहा है। इसके माध्यम से ये भी देखा जा रहा है कि जो पूरी गाड़ियाँ चल रही हैं नगर निगम की या जो कम्युनिटी किचन की गाड़ियाँ,
उनके अंदर भी एक सिस्टम लगा दिया गया, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम जो है नगर निगम की गाड़ियों में, समय से खाना पहुंचा कि नहीं पहुंचा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि समय से खाना नहीं पहुंचा तो भी जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे। तो शैलेश, जो ऑनलाइन निगरानी है उसमें सबसे खास बात यह भी है कि अगर जो इस तरह के इलाके हैं, जो चिन्हित इलाके हैं, जो बहुत ही खतरे से भरे हुए हैं, उसमें अगर कोई लोग रह रहे हैं तो वो लापरवाही न करें, वो दूसरों के लिए खतरा न बने, इसलिए ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है, ऑनलाइन निगरानी की जा रही है, उनकी एक एक गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, न केवल उनके मूवमेंट को देखा जा रहा है, उनके क्वारंटाइन को देखा जा रहा है, उनके आइसोलेशन को देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस तरह की मॉनिटरिंग सेल की स्थापना की गई है। शैलेश, दर्शकों को और विस्तार से बताएं। बिल्कुल निश्चित रूप से, देखिए ड्रोन से और इस सिस्टम से, सॉफ्टवेयर से, ऐप से पूरी निगरानी हो रही है, तकनीक का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें। और जो बड़ी एक चुनौती थी, उन लोगों को चिन्हित करना जो ऐसे जमातियों के जो पॉजिटिव मिले या दूसरे कोरोना संदिग्धों के संपर्क में आए हैं, उनको ट्रेस करना बड़ी चुनौती थी। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से, इस मोबाइल ऐप की मदद से उन लोगों की ट्रैकिंग भी की जा रही है जो कोरोना संदिग्ध है, जो जमाती उस एरिया में है उनको ऊपर निगरानी की जा रही है, जो जमात से जुड़े रहे उस समय। इसके अलावा संदिग्धों के अलावा किसी और में अगर संक्रमण की संभावना है तो उसके लिए भी एक क्वेश्चनायर है जो मोबाइल ऐप पर है, जब लोग भरेंगे। जिस तरह से कुछ इसके फीचर्स वैसे भी हैं जो आरोग्य सेतु ऐप में लिए गए, कुछ नई चीज़ों को जोड़ा गया है, तो निश्चित रूप से सबसे बड़ी चीज़ है कोरोना वायरस को रोकने के लिए कि जो इसके कैरियर है, यानी वो लोग जो लोग खुद अब कोरोना पॉजिटिव हैं, वो जल्द से जल्द आइसोलेट हो, क्वारंटाइन हो, इसके लिए निगरानी हो रही है। कल सीतापुर से मामला सामने आया कि क्वारंटाइन सेंटर से 18 मजदूर गायब थे, छापेमारी में सामने आया। लखनऊ में ऐसी घटना ना हो इसलिए इस ऐप के माध्यम से इन क्वारंटाइन सेंटर जो बने हैं उनकी भी मॉनिटरिंग ऑनलाइन की जा रही है। दूसरी चीज, अब इसको और आगे बढ़ाते हुए जितने हॉटस्पॉट एरिया के एक एक घर पर सैटेलाइट मैप में पिन बनाया जा रहा है। बिल्कुल वीरेश, देखिए जैसा कि शैलेश जानकारी दे रहे हैं, ये बहुत ज्यादा अहम भी हो जाता है कि ऑनलाइन अगर मॉनिटरिंग होगी तो उसका फायदा जरूर पहुंचेगा। जो लोग हैं वो पैनिक ना करें, उनके घर तक सामान पहुंचेगा, ये सुनिश्चित सरकार और प्रशासन कर रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। मेरठ से बलराम जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब चलिए आपको रिपोर्ट दिखवा देते हैं कि किस तरीके से ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है उन इलाकों की जो हॉटस्पॉट हैं और पूरी तरीके से सील हैं। समय इस ऐप के लॉन्चिंग के मौके पर यहाँ पर लखनऊ मंडल के कमिश्नर मुकेश मेश्राम जी, डीएम अभिषेक प्रकाश जी समेत इस कंट्रोल रूम के तमाम लोग मौजूद हैं। हम सीधे कमिश्नर मुकेश मेश्राम जी से बात करेंगे इस ऐप को लेकर कि किस तरह से मददगार साबित होगा ये ऐप इस पूरे कोविड के जो हालात हैं उसमें किस तरह से मदद करेगा। सर जानना चाहेंगे सर, ये जो लखनऊ वन आप लोगों ने ऐप डेवलप करवाया है, ये क्या खासियत है इस ऐप की, किस तरह से मददगार साबित होगा कोविड से लड़ाई में? लखनऊ वन ऐप में लखनऊ सिटी के जितने भी हॉट स्पॉट्स हैं वो सारे के सारे चिन्हित हैं और उनके केसेस की मॉनिटरिंग भी हो रही है, उनके ट्रीटमेंट का पूरा जो बुलेटिन है वो सारा का सारा यहाँ लिंक्ड है। नंबर दो, कोई भी व्यक्ति अपना सेल्फ असेसमेंट करके जहाँ भी वो लोकेटेड है वहाँ से ही जान सकता है। एक बड़ा सिंपल सा इसमें फॉर्म है, वो भर के देख सकता है कि वो कितना सेफ है, कितना सुरक्षित है। और अगर उसको किसी भी तरीके का कोई सिम्टम्स हैं या अगर उसको लगता है कि सैनिटेशन की ज़रूरत है उस इलाके में, या उसको लगता है कि वो हेल्थ कंट्रोल रूम से कनेक्ट होना चाहता है, कोई एडवाइस लेना चाहता है, तो वो भी जो है इस ऐप के जरिए वो आगे बढ़ सकता है। हम अपने दर्शकों को इस कंट्रोल रूम का नज़ारा भी दिखाएंगे कि किस तरह से ये कंट्रोल रूम पूरा काम करेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मॉनिटर्स लगे, सामने एक बड़ी सी स्क्रीन है जिस पर ऐप भी नज़र आ रहा है। इसके अलावा किस तरह से लखनऊ का जो मैप है वो हम देख सकते हैं सामने, इस पर कई ऐसे निशान बने हुए हैं जिनसे ये देखा जा सकता है कि कहाँ पर सैनिटाइजेशन हुआ है या नहीं, कहाँ पर भोजन पहुँचा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देख सकते हैं एक झलक में। और चाहेंगे सर, हम चाहेंगे एक बार आप स्क्रीन दिखाएं हमारे दर्शकों के लिए कि किस तरह से ये स्क्रीन काम करती है जी। तो आप देख सकते हैं हमारे कैमरा सहयोगी पंकज निगम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक ऐप में पूरा चार्ट खुलकर आया, एक पेज खुलकर आया जिस पर आप अपनी पूरी जानकारी देंगे। लखनऊ स्मार्ट सिटी का ये कंट्रोल रूम है जहाँ पर हम मौजूद हैं और किस तरह से ये पूरा लखनऊ का मैप स्क्रीन पर खुला है और लगातार इसकी मॉनिटरिंग होगी। लेफ्ट में आप जो देख रहे हैं ये गाड़ियों की लाइव ट्रैकिंग हो रही है, इसमें से सर्टन गाड़ियां सेलेक्टेड हैं जिनको ये ब्लैक कलर का आप जो बॉक्स देख रहे हैं मैप पर, इस पर देखा जा रहा है। ये गाड़ियां खाना पहुंचा रही हैं, तो खाने की ट्रैकिंग, खाना टाइमली पहुँच जाए ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कामों में से है।
दूसरा ये जो आप ये हॉटस्पॉट्स देख रहे हैं, ये एरियाज मार्क किए गए हैं अलग अलग जगहों पे। कई तरह के मार्क दिख रहे हैं, लाल मार्क है, घेरे में हरे रंग के हैं और कुछ एरो बने हैं। बिल्कुल, हम बिल्कुल आपके साथ चलेंगे जी। जी बिल्कुल, आप समझाएं हमारे दर्शकों को कि ये जो मार्क है ये किस तरह से। देखिए, ये लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं ये सारी गाड़ियां हैं, इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाली गाड़ियां भी हैं और खाना डिलीवर करने वाली गाड़ियां भी हैं। फिर ये जो आप देख रहे हैं ये किचन्स हैं, ये किचन्स हैं, ठीक है। वो एक टॉप पर जो प्लस का निशान बना हुआ है वो हॉस्पिटल है। किचन्स भी हम मॉनिटर कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स को भी हम ऑनबोर्ड कर रहे हैं, और जिससे कि अगर कोई और इमरजेंसी आगे कुछ भी बढ़ जाए तो हम हॉस्पिटल्स में लोगों को ले जाना और उसका पूरा इलाज, ये सारी चीज़ें भी हम मैनेज कर पाएँ। ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की पिंस, ये एरिया जो मार्क्ड है जो लॉकडाउन में है, ये एपिसेंटर है, या जैसे ये ग्रीन एरिया, ये एरिया लॉकडाउन है, तो इसके इर्द गिर्द सफाई होनी है। वो जो सफाई की जा रही है उसको ऐप से जैसे ही वो रिपोर्ट करते हैं तो लाइव यहाँ पर पिंस गिरती जाती हैं। हम ये मॉनिटर करते हैं जूम करके सैटेलाइट व्यू में कि हर घर के सामने एक पिन आ जाए, तो ये हो इससे जैसे कंफर्म हो जाए कि सैनिटेशन का काम चल रहा है। तो हमने इस ऐप को समझा कि किस तरह से एक एक चीज़ यहाँ से मॉनिटर होगी, जो लक्ष्य है हर घर के सामने एक पिन बन जाए, इससे एक एक घर की निगरानी कह सकते हैं इस कंट्रोल रूम से होगी, लोगों की ट्रैकिंग होगी, और निश्चित रूप से काफ़ी मददगार साबित होगा ये ऐप कोविड को रोकने में, उसका जो वायरस फैल रहा है उसको रोकने में। कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और इस बीच एक बड़ी खबर पीलीभीत से, जहां कोरोना पर लापरवाही सामने आई है। डॉक्टर्स ने एक महिला का इलाज नहीं किया और इलाज ना मिलने की वजह से महिला ने दम तोड़ दिया। कोरोना के डर से डॉक्टर्स ने महिला का इलाज नहीं किया, लापरवाही के मामले में सीएमओ ने जांच टीम बना दी है। तो बड़ी खबर आपको पीलीभीत से बता दें, जहां एक तरफ कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है तो इसका डर किस कदर लोगों में बैठ चुका है, उसकी जीती जागती तस्वीर पीलीभीत से सामने आई। जहां एक महिला जिसे बुखार था इलाज के लिए अस्पताल पहुंची, डॉक्टर्स ने कोरोना के डर से उस महिला का इलाज नहीं किया, नतीजतन महिला की मौत हो गई। विक्रांत हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विक्रांत, क्या ये पूरा मामला है, विस्तार से समझाइए हुआ क्या था मौके पर। जी बिल्कुल प्राची, बताना चाहेंगे जिस तरीके से तेज बुखार से पीड़ित महिला जिला अस्पताल पहुंची थी, जिसको लेकर डॉक्टरों ने जांच पड़ताल की जगह उसको इलाज देने की जगह उसको जमीन पर छोड़ दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में आला अधिकारियों से शिकायत की गई तो आला अधिकारियों ने जांच के बाद इसमें कार्रवाई की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं विक्रांत, ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो संबंधित डॉक्टर्स हैं उनका क्या कहना है, क्यों महिला को जमीन पर छोड़ दिया गया, इलाज करने की जहमत क्यों नहीं उठाई गई। जी बिल्कुल, अगर डॉक्टरों की बात करें तो कोरोना के डर से इस तरीके का मामला सामने निकल कर आया कि कोरोना के डर से डॉक्टरों ने उसको छुआ भी नहीं और उसको ऐसे ही छोड़ दिया। लापरवाही कहीं ना कहीं डॉक्टरों की देखी जा सकती है, जिसके चलते महिला की मौत हो गई है। शुक्रिया आपका विक्रांत तमाम जानकारी के लिए। तो पीलीभीत में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, हालांकि उच्च अधिकारियों के मुताबिक टीम गठित कर दी गई है, जांच की जा रही है, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। और कोरोना से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर फिरोजाबाद से मिल रही है, जहां 4 कोरोना मरीज पाए गए हैं। टूंडला में 4 युवक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, 37 लोगों की जांच में 4 लोग पॉजिटिव निकले हैं। प्रतापपुर गांव को चौथा हॉटस्पॉट बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको फिरोजाबाद से बता दें जहां लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अब 4 नए मरीज सामने आए हैं, टूंडला के ये 4 युवक रहने वाले हैं जो कोरोना संक्रमित हैं। दरअसल 37 लोगों की जांच रिपोर्ट गई थी, जिसमें से 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और अब चौथा हॉटस्पॉट भी फिरोजाबाद में बना दिया गया है। और रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।